हाथ से ब्रांडेड कंपनियों के नकली घड़ी बनाकर बेचने का कारोबार किया जा रहा था, जिसकी सूचना फास्ट्रैक वॉच कंपनी के जांच अधिकारी को मिल रही थी। कंपनी के अधिकारी जबलपुर पहुंचे और उन्होंने ओमदी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। ओमदी थाना पुलिस ने इस शिकायत पर कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर पल्स ट्रेडर्स क्वालिटी वॉच कंपनी और जय माता दी वॉच कंपनी के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। ओमदी पुलिस ने तीनों ही दुकान पर दबिश दी। इन तीन दुकानों में से 425 फास्ट्रैक कंपनी की लोगो लगी हुई नकली घड़ी बरामद की गई थी और तीनों ही दुकानों पर कार्रवाई की गई है। तीनों दुकान संचालकों पर मामला कायम किया गया है। कल दिनांक 15/9/21 को मयंक शर्मा, जो फास्ट्रैक वॉच कंपनी के जांच अधिकारी हैं, उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उनकी कंपनी की नकली घड़ियां अपने जबलपुर में पर्ल ट्रेडर्स क्वालिटी वॉच कंपनी, जय माता दी वॉच कंपनी द्वारा बेची जा रही हैं। और इस सूचना के आधार पर इन तीनों दुकानों पर उप निरीक्षक नवल सिंह द्वारा जांच की गई थी, जिसमें तीनों दुकानों में 425 घड़ियां फास्ट्रैक कंपनी की, जो कि उनके ट्रेडमार्क का उल्लंघन करके और बेची जा रही थी, तो उनको मौके से जब्त किया गया और उनके विरुद्ध धारा 51-63 कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। लगभग कितने का माल है ये? 425 घड़ियां हैं, करीब 70-80 हज़ार के आसपास की। तीन लोगों के विरुद्ध ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।